देश के कई राज्यों में पिछले कुछ महीने से इन्फ्लुएंजा के जैसे लक्षण वाले रोगियों और SARI यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलवीर ने बताया कि इन्फ्लुएंजा रोग वार्षिक आवृत्ति वाली एक मौसमी बीमारी है, जो मौसम परिवर्तन के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान न देने, बिना सुरक्षा के साथ लोगों के संपर्क में रहने, बंद स्थानों पर मीटिंग और कार्यक्रमों की वजह से इन्फ्लुएंजा ए के श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाले H1N1, H3N2 जैसे तमाम एडिनो वायरस वर्तमान मौसम में सामान्य रूप से देखने को मिल रहे हैं, जो इन दिनों कई राज्यों से इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस थर्ड और SARI यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केस बढ़ने की जानकारी मिली है, जिसमें इन्फ्लुएंजा समूह के ज़्यादातर वायरस हल्की फुल्की और अपने आप ठीक होने वाली श्वसन तंत्र की बीमारी फैलाते हैं, जिसमें बुखार और खांसी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियां कर रहा है। इसको लेकर टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि डॉक्टरों को इसके बारे में बता दिया गया है। उनका महकमा आदेश आने के बाद से तैयारियां करने में जुट गया है। अगर बात करें सीजनल इन्फ्लुएंजा H3N2 के लक्षण के बारे में, तो इससे ग्रसित लोगों में खांसी, गले में खराश, नाक बहना या नाक बंद रहना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना, दस्त और उल्टी होने शामिल हैं। वहीं इन समस्याओं से बचाव के उपाय की बात करें तो सार्वजनिक स्थलों, चिकित्सालयों, कार्यालयों, बाजारों समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और जरूरी होने पर मास्क का इस्तेमाल करें। वहीं सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए डॉक्टरों की सलाह है कि खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह ढक कर रखें, नाक, चेहरा और आंखों को बार बार छूने से बचें। वहीं पानी और तरल पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग करें, हाथ मिलाने और गले मिलने से पूरी तरह बचें, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बुजुर्गों और बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर लेकर जाने से बचें। वहीं जनता को इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। इसके बाद इन्फ्लुएंजा के लक्षण होने पर पास के अस्पताल में डॉक्टरों से संपर्क कर उचित परामर्श पर ही दवाइयों का प्रयोग करें। इसमें वायरस है जिससे इन्फ्लुएंजा टाइप के सारे इसमें लक्षण होते हैं, विशेषतर बच्चों में और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों में इसके लक्षण पाए जाते हैं। और ये आम जैसे वायरस होता है इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस है, तो वही इन्फ्लुएंजा वाले लक्षण जो भी होते हैं वो सारे इसमें लक्षण आते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये हाई अलर्ट पर ये रखा गया कि हम इस तरह से अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें कि जिस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको आइसोलेट कर दें पेशेंट को, और उसका जो मुख्य छींकने से, खांसने से या मुंह पर कपड़ा लगाने से ये जो उस पर ये फैलता है, तो पहले तो हम उसके बचाव के तरीके बताएंगे लोगों को कैसे बचा जा सकता है, यदि कुछ हो जाता है तो कैसे पहचाने ये हो सकता है, तो उसमें आँखें लाल हो जाती हैं, नाक से पानी आता है, बुखार भी आ जाता है और खांसी आती, छींकें आती हैं, ये सारे उस लक्षण होते हैं। चेहरे पर खांसते खाँसते लाल आ जाती है, तो इस बच्चे और बड़े बड़ों में ही ज़्यादा पाया जाता है ये, इसके लक्षण उससे मिलते हुए हैं कोविड से, कोरोना के लोगों मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए अगर कोई ऐसी करीब करीब 25% तक लोगों में लक्षण पाए जाते हैं, इसमें अगर कोई ऐसा मुझे व्यक्ति पाया जाता है तो उसको हम आइसोलेट करते हैं और उसके अलावा उसकी जाँच भी करते हैं। क्या व्यवस्था की गई है मरीजों के लिए? अभी तक हम लोगों ने अपने CSC PSC में सारे MIC को अलर्ट कर रखा हुआ, दो बेड वहाँ पर व्यवस्था करा दी, अगर इस तरह के रोग आते हैं उन्हें आइसोलेट करा जाएगा। और जनपद स्तर पर 10 बेड हमने जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल में CMS से बात कराए, यदि कोई इस तरह के रोग आते हैं तो वहाँ उनको आइसोलेट किया जाएगा, ताकि अगर उनकी जाँच की जाएगी, अगर जाँच में पाए जाते तो उसको उसका उस तरह कार्रवाई करी जाएगी। सैंपलिंग के लिए कितने किस तरह से की जा रही है? सैंपलिंग के लिए वही तरीका है जैसे हम कोविड में सैंपल लेते हैं, वही हमारे ट्रेंड रहती है, हम ट्रेनिंग देंगे, अभी ट्रेनिंग का भी पार्ट है, अभी हम इसके बारे में अभी MIC को बताना चाहेंगे, अभी मेरे गाइडलाइन मिली है तो इसकी प्रशिक्षण भी हम देंगे लोग कैसे जानकारी हो सके, ताकि अगर ये कोई ऐसी संभावना बनती है तो हम कैसे इससे बच सकते हैं। क्या तैयार है पूरी तरह से अगर कोई संभावना होती है? सैंपल बरेली में सारी तैयारियां एकदम चुस्त दुरुस्त हैं, हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं। आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना 2-4 दिन पहले मिल गई थी, तो सारी तैयारी हमने कर ली है, क्या क्या मुझे करना, सारी प्लानिंग हम कर चुके हैं, ब्लॉक की मीटिंग करने वाले हैं बहुत शीघ्र ही, और अपने डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, अपने पर्यावरण स्टाफ को भी ट्रेनिंग कराने वाले हैं। किस तरह की भीड़ भाड़ में जाने के लिए बचना चाहिए, यहाँ पर भीड़ भाड़ के एरिया वहाँ पर मास्क लगाना चाहिए, अभी भी हाथ सैनिटाइज करके रहना चाहिए, कपड़े को डस्टिंग भी करना चाहिए, सब चीज़ें जो सावधानियाँ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कितना घातक है ये, क्या कोविड की तरह जान लेवा इस बीमारी, अगर ज्यादा अगर बहुत ज्यादा बच्चों में अगर सीवियर हो जाता है तो उसको दिक्कत हो सकती है, जान जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा डरने के लिए कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें हम भयभीत हों। सारी तैयारियां जो आम वायरस की तरह जो होता है उसी तरह से होता है, जैसे बार डिजीज में जो होता है वो इससे लगभग वही लक्षण।